नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। कटिहार में हुए गैंगवार मामले को लेकर अब जो है कटिहार पुलिस जो है एक्शन मूड में है और कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में आरोपी एक दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने एक साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मोहन चांदपुरा गाँव में हुए गैंगवार मामले को लेकर कटिहार पुलिस ने एक साथ दर्जनों गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि कटिहार के सेमापुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत जो है 2 दिसंबर को गैंगवार का मामला सामने आया था, जिसमें 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी मोहन ठाकुर अभी तक फरार चल रहा है, लेकिन मोहन ठाकुर गैंग के कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले गुजरात से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, इसके साथ सेमापुर से ही करीब 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है और इसी को लेकर कार्रवाई करते हुए कल कटिहार पुलिस ने इस मामले में करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस मामले को लेकर कटिहार के एसपी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप देखिए। अब क्या स्थिति है, अब पुलिस के पास क्या रिपोर्ट है? जो गोलीबारी की जो घटना हुई थी उसको लेकर के जो हमारी टीम है और एसटीएफ के सहयोग से जो मुख्य शूटर थे वो गुजरात के सूरत से गिरफ्तार हुए। उसके बाद कल लेट इवनिंग वो यहाँ पहुँचे, उनसे पूछताछ की गई और उन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकारा है और उन लोगों के निशानदेही पर 2 जो .315 राइफल हैं जो घटना में प्रयुक्त हुए थे उन दोनों को बरामद किया गया। 11 जिंदा गोली है। अभी तक टोटल 13 लोग न्यायिक हिरासत में हैं उस घटना में। जो भी लोग और भी हैं जो फरार हैं वो हम लोग जल्द ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। इसमें जो फोकस है कि इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो, हम लोग ट्रायल अच्छे से कराएं और कन्विक्शन हो, ये फोकस है। हथियार भी बरामद हुआ, बड़े लेवल पर हथियार बरामद हुआ है, जखीरा मिला है। क्या ये लोग जो अपने बातचीत में क्या कबूला, क्यों मारा था और कितने लोग की संख्या में मारा है? ये जो घटना हुई थी उस दिन, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, उसकी जानकारी है, इसमें करीब 2 दर्जन लोग थे उन लोगों की तरफ से। इसमें जो आमने सामने आ गए और गोलीबारी की उसमें घटना हुई, पीछे से भी फायर किया गया, जो मृतक लोग हैं उसमें जो है इन लोगों की हत्या हुई थी। हथियार जो है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। घटना में प्रयुक्त जो हथियार है राइफल है, क्योंकि खोखा जो है लगभग more than 60 जो खोखा वहाँ से बरामद हुआ था, तो ये हमारे लिए चैलेंज था कि हथियार की जो है हम लोग बरामदगी करें जो घटना में यूज हुआ है। और एक्यूज्ड को यहाँ आने पर उन लोगों के निशानदेही पर हम लोगों ने जो हथियार है 315 राइफल जो आपने देखा उसको हम लोगों ने बरामद किया है। सर आखिरी सवाल, तो आपने सुना कि कटिहार के एसपी ने क्या कुछ जानकारी दी। आपको बता दें कि इस मामले की अब जो जांच है वो सीआईडी कर रही है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने इस मामले को सीआईडी के जिम्मे सौंप दिया है और सीआईडी की टीम भी कटिहार पहुंच चुकी है और इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुख्य आरोपी मोहन ठाकुर कब गिरफ्तार होगा। वहीं बिहार पुलिस मोहन ठाकुर को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है, दूसरे राज्यों में भी छापेमारी चल रही है। बहरहाल अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आपने सोचते कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।